बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को पाशा टीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे। तो जी ये मनाजिर इस वक्त आपके सामने जी गल्ला मंडी अलीपुर चट्टा के हैं। मंडी फुल जो है वो भरी जा चुकी है, बल्कि मंडी के बाहर भी, ये मेन रास्ता है हमारा, मंडी के बाहर भी जो है वो माल उतरना शुरू हो चुका है। हम कह सकते हैं कि अब सीज़न का दबाव जो है वो शुरू हो चुका है। तो मुंजियों में जनाब आज एक ढेरी सिर्फ जो है वो हाई ब्रेड की है, उसके अलावा लाल 86 आई है और 1509 आई है। अभी कल कुछ मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि भाई आपके अंदाज़े के मुताबिक सुपर बासमती या कायनात वगैरह का क्या रेट जो है वो मुतवक्के है। तो भाई अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक़्त होगा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो चलें जी, वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको मुंजियाँ दिखाता हूँ और जल्दी जल्दी, आज काम का ज़रा दबाव भी बहुत है तो जल्दी जल्दी आपको रेट भी बता देता हूँ। तो ये 1509 आप देख रहे हैं, तकरीबन हर तरफ 1509 ही है और 86 की चंद एक ढेरियाँ हैं। तो ये देख लें जी 1509, इसके अलावा जी ये 1509 देख लें, ये देखें जी, इसके बाद ये 1509 देख लें जी, ये देखेंगे। तो 1509 के रेट की बात की जाए तो जनाब 3800 रुपए से लेकर 4300 रुपए पे आज ये सेल हो रही है, 3800 से लेकर 4300 रुपया फी मन। इसके दरमियान जैसा माल होगा वैसे ही उसका रेट भी होगा। उसके बाद ये लाल 86 देख लें, लाल 86 आज 4000 रुपए से लेकर तकरीबन 4500 रुपया फ़ी मन जो है वो सेल हो रही है। गिनती की चंद एक ढेरियाँ हैं, क्योंकि रेट तो औसत तब बनती है जब कुछ ज़्यादा माल आया हो, लेकिन फिर भी जितना आया मैंने अपने व्यूवर्स को उसका रेट जो है वो बता दिया है। सुपरी एक ढेरी आई थी वो मेरे ख्याल 3700 के 3800 रुपये पे सेल हुई, 3800 रुपये पे सेल हुई है सुपरी की एक ढेरी। उसके अलावा कई मेरे दोस्त मुझसे 86 मुंजी की एवरेज फ़ी एकड़ पूछ रहे हैं, तो 86 मुंजी है जनाब वो तकरीबन 20 से 25 बोरियाँ जो हैं वो फ़ी एकड़ इस वक्त निकल रही है। उसका भी झाड़ जो है वो 1509 की तरह बहुत ही कम है, नहीं तो यही 86 जो थी ये पिछले सालों में 35-35 बोरियाँ, 40-40 बोरियाँ, 65 kg की निकलती थी। तो ये थी जी आज की थोड़ी सी मालूमात। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। उसके अलावा जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पाशा टीवी पर नए आए हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा, इसके साथ इजाज़त दीजिए, कल तक खुदा हाफिज़।